टीडर क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने से 3 रन से चूके रोहित शर्मा आयरलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टीडर मैच में अपने शतक से चूक गए। इसके साथ ही रोहित के हाथ से कॉलिन मुनरो के सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका भी फिसल गया। न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज मुनरो ने के नाम भी टी20 क्रिकेट में 3 शतक ही हैं। रोहित ने आउट होने से पहले 61 गेंदों में 8 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 97 रनों की पारी खेली और शतक लगाने से महज 3 रन से चूक गए। भले ही रोहित शतक न लगा पाए हों, लेकिन वो टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित को आयरलैंड के खिलाफ रन बनाना बहुत अच्छा लगता है और इसका सबूत उनके आंकड़े हैं। रोहित ने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच खेले हैं और दोनों में उन्होंने अर्धशतक लगाया है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित और धवन ने आते ही तेजी से रन बनाए और आयरलैंड के गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई मौका नहीं दिया। रोहित लगातार अपने शॉट खेल रहे थे और लगातार गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। IPL में बेरंग नजर आ रहे रोहित का इंग्लैंड सीरीज से ठीक पहले फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।